वेलकम स्टूडेंट और चैनल नवजीवन गढ़साना। वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर सेकंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यस्टरडे वी आर डिस्कस फोर एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट थ्री क्वेश्चन। टुडे अगेन डिस्कस फोर एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 15, फाइंड द नंबर्स। सम ऑफ टू नंबर यानी अपने दो नंबरों का जो सम है वो अपने पास 95 है। इफ वन नंबर एक्सीड्स द अदर नंबर बाय 15, एक नंबर है वो सेकंड नंबर से क्या है 15 ज्यादा एक्सीड मतलब ज्यादा, फाइंड द नंबर्स। अपने को दोनों नंबर फाइंड करने हैं, तो अपने पास टू नंबर है, फर्स्ट नंबर अपने लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर अपने लेट कर लिया x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर से कितना ज्यादा है 15, तो ये हो जाएगा x प्लस 15। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ नंबर यानी इन दोनों नंबर का जो सम है वो अपने पास 95 है, तो दोनों को ऐड करेंगे x प्लस 15 इज इक्वल टू 95, x प्लस x 2x इज इक्वल टू 95, 15 को ट्रांसफर करेंगे माइनस में चला जाएगा, साइन चेंज होते हैं, प्लस में हो तो माइनस में, माइनस में हो तो प्लस में, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, तो 2x इक्वल क्या आ गया 95 माइनस 15 80, x इक्वल हो गया 80 अपॉन में 2, तो x इक्वल क्या हो गया 40। फर्स्ट नंबर 40, सेकंड नंबर x प्लस 15 है तो 40 प्लस 15, तो सेकंड नंबर क्या होगा 55। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। अपने पास दो नंबर है वो रेशियो में है 5:3 है, और उन दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है वो क्या है 18 है। अपने को दोनों नंबर फाइंड करने हैं। अब जब भी अपने को रेशियो में दिए होते हैं तो अपने रेशियो को हटा के एक वेरिएबल लेते हैं, तो अपने नंबर ले लेंगे जो अपने पास रेशियो है उसके साथ एक वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट एक्स वाई जेड एनी, तो लेट नंबर 5:3 है तो नंबर्स अपने ले लेंगे 5x एंड 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अपने को क्वेश्चन में ये दे रखा है कि दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या है 18 है। दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 18 है, तो डिफरेंस मतलब माइनस 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18, तो 5x माइनस 3x 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18 बाय 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9। अब अपने को नंबर फाइंड करने हैं, तो फर्स्ट नंबर अपने पास क्या है 5x है, तो फर्स्ट नंबर अपने पास 5x है, तो 5 इनटू x की वैल्यू क्या है 9, 5 इनटू 9 आंसर 45, तो फर्स्ट नंबर आ गया 45। सेकंड नंबर 3x है तो 3 इनटू 9, तो सेकंड नंबर क्या हो गया 27। अगर अपने को चेक करना है कि अपना आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो अपने को दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है 18, 45 माइनस 27 कर दो, आंसर 18 आ रहा है तो राइट है, नहीं तो रॉन्ग, कैलकुलेशन हो सकती है मिस्टेक रॉन्ग हुआ तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ नंबर, थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर एड अप टू 51, यानी अपने पास थ्री कंटिन्यू नंबर हैं जिनका सम क्या है 51 है, फाइंड नंबर्स। अब अपने को ये तीनों नंबर फाइंड करने हैं, तो कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं जो लगातार होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या 20 हो गया, 21, 22, तो ऐसे अपने को फर्स्ट नंबर पता नहीं होता, तो फर्स्ट नंबर अपने लेट करते हैं x, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1, थर्ड क्या हो जाएगा x प्लस 2, फिर आगे वाला x प्लस 3, यानी 1 क्या करते हैं ये अपने ऐड करते आएंगे। अगर इसमें कंजुगेटिव इंटीजर में ओड और इवन आ जाए
तो उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर अपने एक्सलेट करते हैं, सेकंड हो जाएगा x प्लस टू, थर्ड हो जाएगा x प्लस फोर, चाहे वो ओड है चाहे इवन है। तो अब इसमें अपने को क्या दे रखे हैं, थ्री कंसेक्यूटिव नंबर दे रखे हैं। तो फर्स्ट नंबर अपने पास x हो जाएगा, सेकंड x प्लस वन हो जाएगा और थर्ड x प्लस टू हो जाएगा। लेट थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स और x, x प्लस वन एंड x प्लस टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या दे रखा है अपने, इनका जो सम है वो क्या है, 51 है। तो फर्स्ट अपने पास x है प्लस, सेकंड अपने पास x प्लस वन प्लस, थर्ड अपने पास x प्लस टू, इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 51। x प्लस x ऐड करेंगे तो 3x प्लस 1 प्लस 2 3 इक्वल टू 51। तो 3x इक्वल आ जाएगा 51 माइनस 3, 3x इक्वल आ गया 48। तो x इक्वल हो जाएगा 48 अपॉन 3, 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। अब x की वैल्यू 16 आ गई। तो फर्स्ट नंबर अपने पास क्या था, x, तो फर्स्ट नंबर हो गया 16, सेकंड क्या है x प्लस 1, तो 16 प्लस 1 क्या हो गया 17, थर्ड क्या है x प्लस 2, तो x की वैल्यू 16 प्लस 2, तो थर्ड नंबर क्या हो गया 18 हो गया।